हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेल, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं नागपुर में हूँ और नागपुर में ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पोहा बहुत फेमस है, और यहाँ वैसे भी पोहा बहुत फेमस है। तो मैं एक जगह पे आया हूँ पोहा खाने। तो ये जगह कहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जगह जो है ये है प्रताप नगर स्क्वायर के थोड़ा सा आगे जब हम आते हैं तो ये जगह है। तो यहाँ ना 7 प्रकार का पोहा मिलता है। आलू पोहा, साउजी पोहा, इंदूरी पोहा, ओनियन पोहा, कॉकटेल पोहा, ड्राई फ्रूट पोहा और फ्रूट्स पोहा। तो इसका प्राइस जो है ना ये 30 रुपीज़ से लेके 70 रुपीज़ तक है, और हर दिन ये चालू रहता है। तो यहाँ का पोहा किस तरह का है मैं आपको दिखाता हूँ, और किस तरह से ये सारे बनाते हैं ये भी दिखाता हूँ। तो बहुत बढ़िया ये प्लेस है, और यहाँ बहुत सारा डिफरेंट काइंड का टी भी मिलता है, आप देख सकते हो पीछे। तो ये शॉप है दोस्तों, आप देख सकते हो, और ये तुरंत बना के देते हैं। बस क्या क्या रेडी है अपने पास अभी? साउजी पोहा, आलू पोहा, कांदा पोहा। अच्छा, साउजी पोहा, आलू पोहा और कांदा पोहा। हाँ। और फिर कौन कौन से अवेलेबल है अपने पास अभी? अवेलेबल आपके पास ड्राई फ्रूट मतलब जो बना के देते हैं। हाँ। ड्राई फ्रूट फ्रूट्स। हाँ। और उसमें कॉकटेल। हाँ। पनीर भुंजी पोहा। हाँ। पनीर पोहा। हाँ। एक हमारे पास 9 फ्लेवर है। अच्छा, 9 में वहाँ बस 7 लिखा है। अच्छा, 2 ऐड किया। अच्छा, तो हमने ऑलरेडी इंदौरी पोहा करके वो ऑर्डर किया है, ये देख सकते हैं आप, और ये अभी बनाया था इन्होंने। तो ये है शॉप, और हम अभी वो पोहा खाते हैं और आपको भी दिखा देंगे किस तरह का है। तो गाइज, दिस इज़ द पोहा। तो ये ऑन द स्पॉट बना के दिया है, ऐसा नहीं कि पहले से बना हुआ था। तो ये है इंदौरी पोहा, अभी तक कभी खाया नहीं। उन्होंने बोला कि 9 प्रकार के पोहा यहाँ मिलते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर एक बार मैं आपको ना एड्रेस बता देता हूँ। ये श्री राधे मंगलम करके एक मंगल कार्यालय है आगे, और पडोड़े स्क्वायर है। तो इस जगह पे आप आ सकते हो। और तो ये पोहा है, मैं खा के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने देखा है लास्ट बार ना मैं मध्य प्रदेश गया था, तो मध्य प्रदेश के बैतूल में हमने खाया था। तो नागपुर में ना पोहे के साथ तरी मिलती है, तो तरी पोहा करके बहुत फेमस है ये। जब मैं मध्य प्रदेश साइड गया था तो वहाँ भी पोहा बहुत फेमस है, बट वो नहीं क्या उसमें ये जो तरी होती है वो नहीं रहती है, बस वो सेव डालते हैं। और वहाँ पे ये चलन है कि पोहे के साथ वो जलेबी खाते हैं। मेरा दोस्त भी था जब हम कॉलेज में थे, तो वो इंदौर से था, तो वो बोलता था कि हम पोहे के साथ जलेबी खाते हैं। तो यहाँ नागपुर में तो है नहीं, नागपुर में हम बस पोहे के साथ तरी पोहा खाते हैं। तो अभी खा रहे, टेस्ट अच्छी है। तो दोस्तों, आप भी ट्राई कर सकते हो, पोहा बहुत ही बढ़िया था। और अभी पोहा खाने के बाद हम चाय पी रहे हैं, तो चाय भी
है साथ में। तो और एक बार आपको ये एड्रेस बता देता हूँ, श्री मंगलम, श्री राधे मंगलम करके जो मंगल कार्यालय है उसके सामने ही है। और आगे का स्क्वायर जो है, अच्छा आगे का जो स्क्वायर है वो है पडोड़े स्क्वायर। तो यहाँ से 30 रुपीज़ से लेके 70-80 रुपीज़ तक के प्राइस का पोहा है और टेस्ट बहुत बढ़िया थी। आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू मंडे चालू रहता है, कोई भी दिन बंद नहीं रहता, मतलब इवन ऑल्सो ओपन ऑन सैटरडे एंड संडे। सो वेन एवर यू गेट टाइम प्लीज़ डू कम एंड डू विजिट एंड प्लीज़ टेस्ट द पोहा हियर। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था, तो एक ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और पहली बार अगर अपने चैनल पे आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते रहिए और घूमते रहिए।